हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड के फैशन। सो गाइस, डार्क सर्कल होना आज के ज़माने में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए हम मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। कुछ टाइम के लिए वो रिमूव हो जाते हैं, अगेन वो वापस आ जाते हैं। आज हम नेचुरल तरीके से अपने डार्क सर्कल को रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको लेना है 1 स्पून एलोवेरा जेल। आपको मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लेना है, प्लांट वाला नहीं लेना है, क्योंकि हम इस सीरम को स्टोर करके भी रखने वाले हैं। देन आपको इसमें ऐड करना है 2 कैप्सूल विटामिन ई के। वैसे तो विटामिन ई ही डार्क सर्कल को रिमूव करने में हेल्प कर देगा, बट अगर हम उसमें कुछ और भी ऐड करेंगे तो उसके जो पावर है वो इन्हेंस हो जाएगा और हमारे डार्क सर्कल को जल्द से जल्द रिमूव करने में हेल्प करेगा। विटामिन ई आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने में, आपके जो आइज के अंदर जो ब्लैकनेस हो जाता है उसको रिमूव करने में एक मॉइस्चर देता है, रिमूव करता है। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन को टाइट, ब्राइट और लाइट करने में हेल्प करता है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक उसको अच्छे से मिक्स करते रहें जब तक एक सीरम की तरह ना आ जाए। सो गाइस, हमारे जो डार्क सर्कल आते हैं हमारी नींद पूरी होने की वजह से। सो हम सोचते हैं नेक्स्ट कुछ दिन तक हम 8 आवर्स की नींद लेंगे तो हमारे डार्क सर्कल रिमूव हो जाएंगे। सो गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप इस सीरम का यूज़ करके आपके डार्क सर्कल रिमूव करने के बाद आप 8 आवर्स की नींद लेंगे तो डेफिनेटली आपके डार्क सर्कल नहीं आएंगे, बट जो आ चुके हैं उसको भी तो रिमूव करना ज़रूरी है। इस सीरम का यूज़ आप करिए, बहुत ही कम अमाउंट में इस सीरम लगता है। देन आप इसको अच्छे से अपने आइस के ऊपर मसाज कीजिएगा और ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। आप इसको फ्रिज में 2 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकती हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। सो गाइस, देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। एक मार्केट की तरह जो सीरम आते हैं उसकी तरह हो चुका है। आप बिल्कुल इतने से अमाउंट लीजिए, देन उसको अपने आइस के ऊपर इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हाथों से मसाज कीजिए, क्योंकि जो अपने आइस का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। तो आप इस तरह से उसको पहले सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, फिर इस तरह से मसाज कीजिएगा। बिल्कुल लाइट हाथों जब तक कीजिए जब तक कि आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको इसका रिज़ल्ट 3 दिन में ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये मेरी क्रीम की डिब्बी थी, इसको खाली हो गई, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इसको 2 मंथ तक इजीली स्टोर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। आप रोज़ नाइट में अपनी आइस को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में इसका सीरम निकालिए और अपने आइस पर मसाज कीजिएगा और ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी और अब मुझे फीडबैक देना ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।